हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के बारे में। स्टार प्लस पे काफ़ी नए अपकमिंग शोज आने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स में, उन्हीं में से एक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उस शो के बारे में बात करेंगे जो कि गुम है किसी के प्यार में की प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आ रहा है, यानी कि कॉकरो एंड शाइका एंटरटेनमेंट की तरफ से जो नया शो आ रहा है, जिस पर मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ। स्टार प्लस पे एक और नया शो इनका लॉन्च होने वाला है। छोटी सरदारनी वगैरह और भी शोज़ को प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब इनका जो नया शो आने वाला है स्टार प्लस पे, अभी के लिए उसका नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन कास्ट की बात करें तो विशाल आदित्य सिंह आपको बताया था शो का हिस्सा हो सकते हैं, शो के मेन लीड हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फाइनलाइज्ड नहीं है। ऑल्सो आकाश आहूजा भी शो के मेन लीड हो सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी मेन लीड हो सकता है। दोनों ही डिस्कशंस में थे एक्टिव डेवलपमेंट शो की जो हो रही है, यानी कि अभी के लिए जो प्री प्रोडक्शन चल रही है उनके डिस्कशंस में दोनों ही थे। एक्टर सागर सैनी को इस शो के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है, जिन्हें नारद मुनि और श्री कृष्णा जैसे शो से जाना जाता है, तो ये आपको इस शो में इंपॉर्टेंट करेक्टर्स में से एक प्ले करते हुए नजर आएंगे। ऑल्सो गाइज, एक्टर संशु वर्ष ने को इस शो के लिए रोप इन कर लिया गया है, फाइनलाइज कर लिया गया है। वो इस शो में चाची का करेक्टर प्ले करने वाली हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव ये अभी के लिए पता नहीं है। सुचेता त्रिवेदी एक्ट्रेस को भी शो के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है, वो भी मेन करेक्टर्स में से एक प्ले करने वाली हैं। और गाइज, नीना कुलकर्णी भी आपको इस शो में देखने को मिलेंगी, वो दादी का करेक्टर प्ले करेंगी इस शो में और इंपॉर्टेंट करेक्टर्स में से एक होने वाली हैं। और गाइज, कुशाल आहूजा तो शो का हिस्सा होने वाले हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था। उनका करेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस शो में, प्रोबेबली मेन लीड्स में से एक वो हो सकते हैं। और गाइज, गौरी टोंक जो कि कामना एक्ट्रेस हैं, कामना शो के लिए ज़्यादातर जानी जाती हैं, वो भी इस शो का हिस्सा रहने वाली हैं एक इंपॉर्टेंट करेक्टर में। फेमस एक्टर महेश ठाकुर भी शो का हिस्सा रहने वाले हैं, मेन करेक्टर्स में से एक होने वाले हैं। इश्कबाज, दिल बोले ओबरॉय जैसे स्टार प्लस के शोज़ में वो ऑलरेडी देख चुके हैं। वेटरन एक्टर सुरेंद्र पाल भी शो का हिस्सा हैं, उन्हें भी अप्रोच किया गया है, एक्चुअली फाइनलाइज ही कर लिया गया है इस शो के लिए, डेफिनेटली वो शो की कास्ट का हिस्सा रहने वाले हैं। अभी रिसेंटली ही शैलेश गुलाबानी एक्टर को भी शो के लिए फाइनलाइज करा गया है। करेक्टर किस तरह का है वो अभी के लिए कुछ भी नोन नहीं है। खुशांग अरोड़ा जिनको ये हैं जहाँ से स्टार प्लस के शो से जाना जाता है, वो भी शो में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं, मेन स्टार कास्ट का हिस्सा रहने वाले हैं वो। ऑल्सो गाइस, जतिन अरोड़ा यानी कि जिन्हें साथ निभाना साथिया 2 में रिसेंटली देखा गया था और इसी शो से ज़्यादातर वो जाने जाते हैं, तो गाइस वो भी आपको इस शो में देखने को मिलने वाले हैं। बालिका वधु 2 फेम शरहान सिंह भी इस शो का हिस्सा रहने वाले हैं, उन्हें भी कास्ट का फाइनलाइज्ड हिस्सा बना लिया गया है। तो गाइस, कास्टिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है इस शो का, बहुत जल्द आपको इसके प्रोमोज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए प्रॉपर एपिसोड्स वगैरह की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है इस शो की, लेकिन इस शो को एम किया जा रहा है कि अक्टूबर में लॉन्च कर दिया जाए स्टार प्लस पे, और सब अगर सही जाता है सितंबर के एंड में भी हो सकता है, लेकिन वैसे अक्टूबर को ही एम कर रहा है स्टार प्लस इस शो को लाने का। और भी मल्टीपल शोज स्टार प्लस पे आने वाले हैं। अभी के लिए शो की कहानी पे अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही शो की कहानी किस तरह की है, स्टोरी कॉन्सेप्ट पे कोई डिटेल होगी, डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। और भी जो जो बंदा कास्ट में जुड़ जाएगा और कन्फर्म्ड मेल लीड और फीमेल लीड कौन से हैं शो के, आकाश हो जाएं, विशाल आदित्य सिंह हैं, कुशाल हो जाएं, कौन एक्चुअली शो के मेन लीड हैं, बिकॉज अभी के लिए नोन नहीं है इन तीन एक्टर्स में से कौन मेल लीड होगा, कौन साइड करेक्टर होगा, या फिर कौन इस शो का हिस्सा होगा या फिर नहीं। जो भी मेजर कन्फर्म डिटेल्स होंगे इस शो के बारे में आने वाले दिनों में सब आपको देखने को मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे, भले ही वो टाइम स्लॉट हो या फिर और कैसी ही डिटेल्स किसको रिप्लेस करेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए इस शो के लिए आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, एक कास्ट आपको कैसी लगी अब तक जो आपको बताई है। और स्टार प्लस की और इस शो पे सारी अपकमिंग लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।